स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी हमारा चैप्टर चल रहा था संसाधन, और हमने संसाधन क्या है, इनका क्या वर्गीकरण है, इनके संरक्षण उपाय और पोषणीय संरक्षण और सतत विकास, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। हमने हमारी पिछली क्लास में जो कल की क्लास हुई थी उसमें हमने जैविक और अजैविक संसाधनों के बारे में पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास है उसमें नवीकरण और अनवीकरण योग्य संसाधन कौन कौन से हैं, यानी ऐसे संसाधन समाप्तता के आधार पर, जिन्हें भी जो समाप्त हो सकते हैं और जो समाप्त नहीं हो सकते, उनके आधार पर दो भागों में विभाजित कर रखा है, एक तो नवीकरण योग्य और एक अनवीकरण योग्य। अब देखिए, नवीकरण योग्य संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें फिर से निर्माण किया जा सकता है, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीव। इस संसाधन को इनके सतह प्रभाव के कारण नवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। यानी देखिए, सौर ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ये क्या होता है, ख़त्म होगी क्या, नहीं होगी ये, चलिए जब से जब तक हमारी सृष्टि तब तक हमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और वन, वन क्या है, आज एक वन कटा तो हम अगर बीज रोपण करते हैं और कुछ ऐसे वन जो कि प्रकृति से हमें मिल रहे हैं तो वो हमें मिल जाते हैं। वन्य जीव, एक वन एक जो जीव है, प्राणी है, वो ख़त्म होने के बाद जैसे उनका वंश चलता रहता है, जैसे उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, उनसे वो सतत रूप से चल रहे हैं। जैसे आज हमने एक किसी भी जीव को मारा, जैसे शेर को मारा, तो ऐसा तो नहीं कि वो एक ही शेर है ना, उसकी कई बहुत बड़ी नस्ल है, उसमें कई शेर के भाई बच्चे हैं या और भी प्राणी हैं उसी नस्ल के। तो इस प्रकार से ये ऐसे संसाधन जो कि इनका क्या हो सकता है, नवीकरण हो सकता है, ठीक है, यानी सतत प्रवाह के कारण नवीकरण योग संसाधन के अंतर्गत रह गया, एक प्रवाह चल रहा है, आगे से आगे हमें ये प्राप्त हो रहे हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे नवीकरण योग संसाधन। अब दूसरा देखिए, अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जिनके भंडार में प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनः स्थान नहीं होता है, पुनर्स्थापन नहीं होता है, ये संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं और पुनर्निर्माण होने में करोड़ों वर्ष की अवधि लेते हैं। इसका उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसें। देखो, आपको पता है, हमने कल भी बात करी थी कि हमारी पृथ्वी के अंदर जैसे कोयला है ना, और पेट्रोलियम है, ये है, परंतु जैसे वो सीमित मात्रा में है, हम जैसे उनका हम उनका खनन कर लेंगे, उनको निकालने के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे उस स्थान से, है या नहीं है। जैसे आज हम हमारे भारत की बात करें तो हमारे यहाँ भारत में सबसे पहले पेट्रोल था वो कहाँ निकला था, असम में निकला था, है ना। अब वहाँ डिगबोई में जो पेट्रोल के भंडार थे वो ख़त्म होने के कगार पे आ गए, और अभी जो वर्तमान में पेट्रोल ज़्यादा निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, बॉम्बे हाई से, है ना, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई से निकल रहा है। तो जैसे ऐसे संसाधन जो प्रकृति से तो प्राप्त हैं, परंतु मनुष्य द्वारा उन्हें बार बार उनको निकालना, प्रयोग करना, उनके कारण वो क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। जैसे हमने पेट्रोल का एक बार प्रयोग करके, हमने जैसे एक लीटर पेट्रोल का प्रयोग कर लिया, हम वो वापस पेट्रोल थोड़ी प्राप्त होगा, हाँ उस जैसे हमने खान में से निकाला, उसमें जैसे हमने सोचते हैं जैसे एक कोयले की खान है, उस पूरी खान को हम जब निकाल लेंगे उसके बाद वह कोयला क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे संसाधनों को हम बोलेंगे अनवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन, ठीक है। अब देखिए, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, कोयला आदि जीवाश्म ईंधन का विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतरकाल में होता है। इसका अर्थ है कि एक बार पेट्रोल, कोयला आदि ईंधन की खपत कर लेने पर किसी भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर सकते क्या कि भाई हम पेट्रोल में कोई ऐसी क्रिया करें कि हमारा एक लीटर पेट्रोल है वो बढ़ के दो लीटर हो जाए, पाँच लीटर, ऐसा नहीं होगा। एक हमने ख़त्म कर लिया, उसके बाद वो वापस, जैसे अभी एक जीव जंतु से दूसरा जीव जंतु उत्पन्न हो रहा है, नहीं हो रहा है, परंतु पेट्रोल, कोयला ये इस प्रकार से उत्पन्न नहीं होंगे। एक बार इनकी खपत हो गई तो वापस ये हमें कोई भी, चाहे हम रासायनिक क्रिया करें चाहे कोई भी भौतिक क्रिया करें, हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या बोलेंगे, अनवीकरण योग संसाधन के अंतर्गत आएंगे या अनवीकरण इनको बोलेंगे। धातु हमें खनन के द्वारा खनिज के रूप में मिलता है, हालांकि धातु का एक बार प्रयोग होने के बाद फिर से प्राप्त किया जा सकता है।
जैसे लोहे के एक डिब्बे से पुनः लोहा प्राप्त किया जा सकता है, परंतु फिर भी उस तरह के धातु को प्राप्त करने के लिए खनन की आवश्यकता होती है, अतः धातुओं को अनवनीकरण योग्य संसाधन में रखा जाता है। देखिए जैसे लोहा है, हमने लोहे की कोई मशीन बनाई, वो मशीन ख़राब हो गई, हमने उसको पिघला के दूसरी मशीन बना ली, है ना, परंतु फिर भी क्या है कि खनन करने के बाद जैसे है, हमने लोहे की खान में से लोहे अस्क निकाला, एक मात्रा तक हम उनको निकाल पाएंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो उसकी खान में वो लोहा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इनको धातु, कोयला, पेट्रोल, इन सबको हम क्या बोलेंगे, अनवीकरण संसाधन बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा हमारा है वो है स्वामित्व के आधार पर संसाधन, यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला हम ये बात कर चुके हैं, पर हमने सिर्फ पहले नाम बताए थे मैंने आपको कि भाई व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय साधन, सिर्फ हमने नाम बताए थे। आज मैं इनका आपको विस्तारित रूप से बता रही हूँ कि भाई नवीनीकरण कौन सा है, अनवीकरण कौन सा है, जैविक कौन सा है, अजैविक कौन सा है, ठीक है ना। अब देखिए व्यक्तिगत संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति है जिसके स्वामित्व में है, यानी निजी तौर पे है, उन्हें हम बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। जैसे घर, व्यक्तिगत तालाब, व्यक्तिगत व निजी चारागाह, व्यक्तिगत कुएं आदि, है ना। हमारा घर हमारा खुद का पर्सनल है, अगर हमने कोई तालाब है हमारी ज़मीन पे, वो तालाब खुदा हुआ है तो वो हमारा व्यक्तिगत हो जाएगा। हमारा कोई ऐसी चारागाह है जो हमारा निजी है तो वो हमारा निजी चारागाह हो जाएगा। हमारा कोई कुआ है जो हमारा निजी है तो वो हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार ऐसे संसाधनों को हम बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। तत्वों तथा वस्तुओं के आधार पर, सहायक कारकों के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित कर रखा है, एक तो प्राकृतिक संसाधन और एक मानव द्वारा संसाधन। अब जो व्यक्तिगत संसाधन है वो भी कितने भागों में विभाजित है, दो भागों में, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव, ठीक है। तो प्राकृतिक जो प्रकृति से, जैसे अभी खेत है, खेत में फसल हो रही है तो वो क्या प्राकृतिक ही है, परंतु हमारी खुद की ज़मीन पे हो रही है तो वो प्राकृतिक के द्वारा। अब मानव संसाधन जैसे हमने कोई उद्योग धंधे हैं, जैसे उसमें जैसे कोई ज़मीन है उसमें से खनन क्रिया करके द्वारा हमने वो निकाल लिया अंदर से, है ना, या हमने कोई उद्योग धंधे करे उसमें कोई चीज़ का प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारा खुद की कोई फैक्ट्री है और औद्योगिक क्षेत्र है, तो वो क्या हो गया, मानव संसाधन हो गया। इस प्रकार पहला हमने व्यक्तिगत संसाधन, अब देखिए सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन है जो गांव या शहर के समुदाय अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो, यानी सभी व्यक्तियों के लिए, किसी एक का नहीं है, ठीक है ना। जैसे सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक खेल का मैदान, सार्वजनिक चरागाह, शमशान, सार्वजनिक तालाब, नदी आदि, ठीक है ना। यानी हमारा जो बोलते हैं ना हम, जैसे सरकारी चीज़ है ना, तो वो सब की चीज़ होती है वो हो, उसको क्या बोला है, सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वैसे तो सभी संसाधन जो राष्ट्र की संपदा है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सड़क, नदियाँ, तालाब, बंजर भूमि, खनन क्षेत्र, तेल उत्पादन क्षेत्र, राष्ट्र की सीमा में 12 नॉटिकल मील तक समुद्री तथा महासागरीय क्षेत्र तथा इसके अंतर्गत आने वाले संसाधन। देखिए ये जैसे हमारा भारत है ना, दक्षिणी भारत है ना, जो दक्षिणी भारत वाला हिस्सा है वो, अब इसमें जो इस यहाँ पे जो समुद्र है, जैसे यहाँ पे क्या है, अरब सागर है, इस समुद्र को नापने के लिए यहाँ पे जो हम इसको बोलेंगे 12 नॉटिकल मील, जैसे पानी में जो ज़मीन नापी जाती है ना, या पानी जहाँ नापा जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे नॉटिकल में नापते हैं उसको, है ना। तो 12 नॉटिकल तक यहाँ पे किसका है, हमारे भारत सरकार का अधिकार है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको पिछली क्लास एक बार पहले भी जब हमने संसाधन की क्लास पढ़ी थी तब उसके बारे में पढ़ा था, फिर मैंने कहा थोड़ा और विस्तार से बता देते हैं आपको। अब इसमें देखिए 12 इस नॉटिकल क्षेत्र में अगर कुछ भी हमने समुद्र के अंदर से कोई भी पेट्रोल कुछ भी निकाल रहे हैं तो उस पर किसका अधिकार है, भारत की सरकार का अधिकार है। वैसे तो देश के अंदर आने वाले सभी वस्तुएं पर राष्ट्र का अधिकार होता है, चाहे वह कोई भूमि हो या तालाब, इसी सभी प्रकार के संसाधनों को राष्ट्र हित में अग्रहित अधिग्रहित कर सकती है। जैसे सड़क, नहर, रेल लाइन आदि बनाने के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। भारत में
1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इस संशोधन के अनुसार सरकार लोक हित में किसी भी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। भूमि अधिग्रहण का अधिकार शहरी विकास प्राधिकरणों को प्राप्त है। देखिए क्या है कि जैसे एक तो हमने ये बात करी थी कि भाई यहाँ से 12 नॉटिकल जैसे समुद्र में हमने नापा है ना, वहाँ पे जो भी हम कोई भी उत्पादन हो रहा है तो वो हमारे किसका है, राष्ट्र का है, ठीक है। और हमारे राष्ट्र में जैसे जो भी नदियाँ सड़कें तालाब वो सब क्या है, राष्ट्र की संपदा है। और समुद्र में हमारे जो आसपास का समुद्री क्षेत्र है उसमें 12 नॉटिकल मील तक चाहे कोई भी राष्ट्र हो उसका ही अधिकार रहेगा। अब इसके अलावा जैसे व्यक्तिगत संपत्ति है हमारे खेत या जमीन प्लॉट वगैरह, अगर सरकार द्वारा वहाँ पे कोई भी काम चलाया जाता है, जैसे अभी हमारा खेत है और उसके पास से या उसके अंदर से कोई क्या निकल रही है, सड़क निकल रही है, तो सरकार को हमें वो जमीन देनी पड़ेगी क्योंकि वो राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है। सरकार हालांकि उसके लिए अपने अपने को सही मुआवजा देगी, परंतु हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम ये जमीन या हम उन्हें नहीं देंगे, हमें वो जमीन उन्हें हमें उसमें देनी पड़ेगी। तो ये हो गए राष्ट्रीय संसाधन। इसमें राष्ट्रीय हित के जैसे एक तो जो वो संसाधन जो कि भाई सरकारी जैसे सार्वजनिक खेल के मैदान वो तो हो गए सारे सामुदायिक संसाधन, और जैसे समुद्री जो क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र है, राष्ट्र की सीमा है और बंजर भूमि खनन क्षेत्र, ये सब हमारे किसमें आ जाएंगे, राष्ट्रीय जो संसाधन है उसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अभी हमने बात करी थी वही ये बात है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 मील के बाद खुले महासागर इसके अंतर्गत आने वाले संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके प्रबंधन का अधिकार कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को भी दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का प्रयोग बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति में के नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए हमने बात करी थी ना कि जैसे या 200 मील तक तो जैसे 12 नॉटिकल बोल दिया जाए, 200 मील तक तो देखो 12 नॉटिकल तक तो किसका है अधिकार, हमारे देश का अधिकार रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो खुले महासागर और आएंगे उसके अंतर्गत से जो चीज़ें निकल रही है, तो अब जैसे कोई भी देश है जैसे ये समझ लीजिए प्रशांत महासागर है ना, जैसे ये प्रशांत महासागर अपन ऐसे समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई भी देश है ना, तो वहाँ 12 नॉटिकल जैसे 200 किमी मील तक बोल दो या 12 नॉटिकल तक, तो इस देश का वहाँ पे क्या होगा, अधिकार होगा। उसके बाद जैसे ये सागर है, यहाँ पे अगर कोई भी प्रकार का संसाधन निकल रहा है तो उस पर इस देश का अधिकार नहीं होगा, है ना। जैसे अभी हमारा भारत है, समझिए जैसे ये हमारा भारत का नक्शा है, दक्षिणी भारत का है, यहाँ पे देखो ये जो 12 नॉटिकल तक है या जो 200 मील तक है यहाँ पे तो क्या हो गया, भारत का अधिकार हो गया। अब यहाँ पे कोई पेट्रोल निकल रहा है, कोई भी खनिज तत्व समुद्र में से निकल रहा है, तो उस पर किसका अधिकार हो गया, भारत का हो गया। परंतु इस 200 मील के बाद जैसे इस क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर हमारे भारत का अधिकार नहीं होगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब संस्थान होती है बड़ी बड़ी, उनकी सहमति से हम कह सकते हैं कि भाई हमें यहाँ पे कुछ काम करना है या हमें कुछ यहाँ पे खनन करना है, तो हम वो इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो देखिए हमने दो संसाधन पढ़े थे, एक तो नवीनीकरण और एक अनवीकरण, है ना। इसके अलावा जो स्वामित्व के आधार पर जिसपे किसका स्वामित्व है, तो एक तो व्यक्तिगत, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, है ना। तो आज ये दो संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और चर्चा संसाधनों पे हमारी अब अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।